Tell me what you're with. तो वापिस आ गए PUBG में और ये एक गेम प्ले वीडियो है जिसमें तुम्हारा भाई बीच बीच में वॉइस वॉर करके तुम लोग का टाइम खराब करेगा। तो खास बात ये है कि ये है एक सोलो वर्सेस स्क्वाड वीडियो और कमाल की बात यह है कि हॉट ड्रॉप में तो उतरना लोगों ने कर दिया है बंद। सबको इसमें करना है रैंक पुश, लेकिन रैंक पुश करने जब खेल ही नहीं मिले तो क्या कर लोगे। दूर दूर उतरने लग गए हैं, कोई यहाँ झरकी तो कोई 300 किलोमीटर दूर उतर जाता है। तो नहीं यार, फाइट ले लो, कुछ स्किल बढ़ा लो, ऐसे कैम कर करके इस कंकरेट पहुँच जाओगे भी तो कोई मतलब, कंकरेट तो पहुँचोगे ही नहीं सबसे पहली बात। तो सीधा ले चलते हैं फाइनल जोन जो हमारा मेन टारगेट है, तो देखते हैं क्या होता है। लो बन गए साहब, मिल गया प्रसाद। इसलिए कहते हैं जोन में घुसते कभी सावधान बनो, किसी का किसी का कवर होना ही चाहिए, क्योंकि फाइनल जोन में हर जगह लोग नजर गड़ा रहते हैं। तो इस मैच में सारे सारे सांपों का शिकार हुआ है, तो भाई यार कितने लोगों को बताना पड़ेगा और कितने बार बताना पड़ेगा। सांप बनो, सांप बनना बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ फाइनल एकदम फाइनल जोन हो या जब सेकंड लास्ट फाइनल जोन हो, क्योंकि जो ऐसे जोन होते हैं उनमें कम से कम 100 मीटर का रेडियस रहता है, आराम से दिख जाते हो। तो यहाँ पे मुझे सारे सब मुझे सब पता चल चुके थे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और तीसरा वाला यहाँ पे। हाँ तो सबसे ज़रूरी बात, अगर तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो या फिर अपने स्क्वाड में सिर्फ अकेले बच्चे हो और फाइनल जोन है, तो कभी भी पहला शॉट तुम मत लो। अगर तुमको सबकी पोजिशन पता भी चल जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, सबका टेंशन आएगा तुम्हारे ऊपर और तीनों में से किसी न किसी एक के पास स्नाइपर होगी ही होगी, फाइनल जोन तक आ ही जाती है बात, लिख लो तो वो तुम्हारी मुंडी उड़ा देगा। तो पहला शॉट उनको लेने दो, जैसे उनका शॉट है, ये नहीं तुम्हें लेटे रहना, उठो वहाँ से भागो और सबका टेंशन उन पर चला गया, तो तुम पीछे से खत्म करते जाओ तीनों को। तो यहाँ पर मुझे एक शॉट पड़ ही गया था, एक किल, एक शॉट। देख ही सकते हो आसपास दोनों का ध्यान उस पर चला गया और गोलियां चलने लग गई, और यही अगर तुम होते तो तुम्हारे पर गोली चलने लगती। तो यही फायदा होता है, अपनी पोजीशन रिवील मत करो, खासकर फाइनल जोन में, क्योंकि अगर सोलो हो तो अगर स्क्वाड है तो आराम से सबको रौंदते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आखिरी सांप मार दिया गया है और चिकन डिनर हाथ में। तो भाई यार बस सांप मत बनना फाइनल जोन के पहले, और थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलो, बाकी सब अपने आप काम हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।